Jai Shri Krishna. Again, my apology for being late today, for holding you up. I was saying to Madhvi even. But anyway, we are here. Let's make the most of it. Satve adhyay mein hum log prarambh ho chuka tha. Pehle adhyay mein naam gun ke vishay pehle satra mein dusre satra mein prarambh kar diya tha pichli baar ke. Wahan se chalte hain. Isme aage baat aayegi. जल्दी से ही आएगी. शुरू शुरू में ही जो मैंने श्लोक का ध्यान के समय दैवी है शाह गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो उस पर किसी तत्र में थोड़ा प्रकाश डाला था. भगवान की जो अंतरंगा शक्ति होती है, बहिरंगा शक्ति होती है और तटस्थ शक्ति होती है, उन तीनों में तारतम्य होता है. भगवान मतलब हर हम सभी की, भगवान की नहीं, हम सभी की एक अंदर में शक्ति होती है विचार करने की, जैसे एक बहिरंगा शक्ति होती है बाहर का कार्य कुछ करने की, और एक बीच वाली होती है वो अंदर वाला बाहर प्रकट होने के समय वाली जो होती है. जैसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन में विचार किया, वाणी से उच्चार किया और कर्म से आचार किया. उधर वहाँ भी तीन आ गए. वी फर्स्ट थिंक, then we socialize or vocalize or share what, hey, what do you think, this is what I'm thinking, should I do this, aisa kare na kare, to aapko kya lagta hai, inko keh de, bulaye. Ye beech wali jo hai, abhi kiya nahi hai, bulaya nahi hai, call nahi kiya hai, text nahi kiya hai, udhar gaya nahi hai, lekin khali man hi man mein bhi nahi hai, kisi ke sath validate kar raha hai. To pehle vichar hua, fir validation hua aur fir उसका एक्चुअल मैनिफेस्टेशन हुआ, प्रगटीकरण प्रागट्य हुआ. ऐसे हम सभी किया क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की के अंश है. ऐसे ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है, फिर तटस्था बीच वाले जस्ट बेयरली आउटसाइड बेयरली एक्सप्रेस, जैसे सूर्य के अंदर सूर्य है और बेयरली उसके बाहर जो है, एंड देन द मैनिफेस्टेशन जो स्प्रेड होता है वैसे. तो उनमें जो बाहर वाली जो है गुणमयी माया, जिस इस अध्याय में कहेंगे सात्विक राजसिक तामसिक वाली, अन से बाहर हटकर टू रिवर्स, पिछले बार बात हुई थी यू टर्न लेकर के, तो वो क्या होता है सात्विक राजसिक तामसिक. जनरली तो सुना है एक एक उदाहरण से, जैसे अगर तंबोरा बजाते हैं शास्त्रीय संगीत के समय, तंबोरा खड़ा वो कंधे पर टिका के रखते हैं वर्टिकल, अथवा तो सितार वाले सितार बजाते हैं ऊपर नीचे, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज स्टैंडिंग, उसकी तार जो है एक ऊपर की खूंटी को बांधी है, एक नीचे की खूंटी को बांधी है और बीच में लंबी तार है, और फिर वो तंबोरा चलते गाने के साथ चलते रहता है. तो देर आर थ्री कंपोनेंट्स टू एवरी स्ट्रिंग ऑफ द तंबोरा, जैसे वो एक वन दैट इज टाइड अप, the other that is tied down and the portion in between. तो जो ऊपर खूंटी को बंधी है तार और नीचे खूंटी को बंधी है तार, दोनों एंड्स को जो किया वो कुछ ज़्यादा हिल रहे नहीं है, वो पक्के उधर ही बैठे हैं, पक्के हो गए. और जो बीच वाली तार है वो उसको जैसे जैसे छेड़े वैसे वैसे वो हिलती है, और जितनी ज़्यादा हिले वैसा आवाज़ वैसी एम्पलीट्यूड वैसी फ्रीक्वेंसी. इसलिए जो बीचो बीच तार की ज़्यादा छेड़े तो अलग आवाज़ आती है, ऊपर गए तो एकदम हाई पिच आवाज़ आती है, नीचे गए तो एकदम लो पिच आवाज़ आती है, बीच में इट वाइब्रेट्स द मोस्ट. थोड़ी सी टेक्निकल बात है लेकिन इससे गुणों के पर प्रकाश होगा. बीच वाली तार वाइब्रेट्स द मोस्ट, एट द एंड्स इट डज नॉट, because the ends have a support, ends को अपना सहारा मिल गया है. बीच में जो लटक रहा है उसको सहारा नहीं है, तो थोड़ा भी थोड़ी भी हवा लगी, थोड़ा भी छेड़ा उंगली लगा दी तो आवाज़ करे always constantly, and the more we go up or the more we go down it reduces. ऐसे ही सात्विक गुण समझे, जैसे ऊपर बंधा है उसको खुंटी मिल गई है अपने आत्मा रूपी, अर्थात तो भगवान रूपी शांति मिल गई है, आनंद मिल गया है, सात्विकता प्राप्त हो गई है, समाधान है, संतोष है, और बहुत चाहिए और कुछ अलग चाहिए और ऐसा करना है और उन वैसा करना है, ऐसा कुछ नहीं. ऊपर किसी हायर स्टेट में मन लग गया है,
शांत हो गया, तो वहाँ से कि जा नहीं रहे, बस जिधर है उधर ही रुके समाप्त। नीचे वाले को भी खुंटी मिल गई, तामसिकता को भी, लोअर कुछ नहीं करना, उनकी खुंटी है निद्रा आलस, प्रमाद आलस से निद्रा भी तन्नी बदनाति भारत, 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं। सत्व सत्व के लिए का प्रकाश, आनंद, संतोष, शांति, टेन में फंस गया सात्विक, उधर ही रह गया, और तामसिक जिधर उधर ही बैठ गए, निद्रा आलस्य प्रमाद वेस, कुछ कुछ नहीं करना है, आई वॉन्ट टू डू नथिंग, अपने आप खा लेंगे, उधर खाएंगे, उधर ही बर्तन रख देंगे, कचरा ऐसा ही कमरे में पड़ा रहेगा, कभी झाड़ू नहीं, कभी वैक्यूम नहीं, लॉन्ड्री भी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो वही कपड़े फिर से पहन लेंगे, क्यों, जिधर उधर ही रहना है बस, कहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। और ऊपर वाले भी शांत, कम दिखेंगे, सात्विक लोग बहुत धमाधम कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत प्रोग्राम, बहुत डांडिया, बहुत घूम फिर रहे, ऐसे भी नहीं, ये जॉब छोड़ रहे, फिर वो जॉब लिया, फिर वो जॉब छोड़ा, फिर वो जॉब लिया, ऐसा भी नहीं। सात्विक एक जो अपने साथ रेजोनेट हो गया, अलाइंड हो गया अपने वैल्यूज़ के साथ, उधर स्थिर हो गए सात्विक लोग, और तामसिक लोग बेयर मिनिमम जो है जितना बस उधर स्थिर हो गए। राजसिक ज़्यादातर विदाउट सपोर्ट, देर कॉन्स्टेंटली गोइंग अप एंड डाउन, चिट उन्हीं से सारे संसार में जो आवाज़, जो भी कार्य हो रहा है, आवाज़ धमाधुम हो रही है, राजसिक गुण से हो रही है, बिकॉज देर ओन नो देर ओन है, राजसिक डज नॉट हैव अ सपोर्ट, they're not situated yet, they're searching और ढूंढ रहे हैं, खोज जारी है, ये है कि वो है कि ऐसा आवाज़ की, वैसा आवाज़ की, इतनी एम्पलीट्यूड की, इतनी फ्रीक्वेंसी, बार बार बार। तो जो भी संसार में कार्य होता है वर्थ वाइल, मतलब जो समझने वर्थ वाइल कहने का तात्पर्य है कि जो दिखाई देता है सामने, वो राजसिक गुण से होता है, राजसिक तो न होती तो कोई कार्य ही नहीं होता। जो तामसिक लोग तो बैठ जाते थे अपनी जगह पे, जब भूख लगे कार्य नहीं करना, चोरी कर लेते थे बस, फिर भी भूख लगे चोरी नहीं करने दे रहे थे, कुछ खून खराबा कर देते बस, मिनिमम बेयर मिनिमम नेगेटिव में से नेगेटिव जितना करके। और ऊपर वाले जो है सात्विक जो है, उनका स्वभाव मिनिमाइजिंग है, अपनी नीड जितनी है उतना ही, जितनी ज़रूरत है उतनी ही। और राजसिकता जो है वो बहुत छेड़खानी चल रही है, फिर अभी ये ट्राई करे, वो ट्राई करे, वैसे तो ये तीन में तार में ऊपर नीचे सारे सुर है, सारे गामा पधनी सा सानी धपा मगर ऐसा, इनके अंदर ही सारे सुर है इन सात सुरों में, ऐसे ही सात्विक राजसिक तामसिक में ही सारा संसार है। भगवान कहते इसी गीता में, कोई नहीं छुटा है संसार में, जो भी आया हुआ है, जित बड़े में बड़ा संत, बड़े में बड़े गुरु, बड़े में बड़े बड़े सदगुरु, सबसे बुरे में बुरा गुंडा, करप्ट, फ्रॉड, सब चोर, डाकू, सज्जन, सबों में तीनों गुण हैं। भगवान कहते हैं अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी बुराई कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुराई छिपी हुई है, बुरे से बुरे व्यक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छाई छिपी हुई है, बुरे में बुरा बेईमान आदमी भी अपना सेक्रेटरी, अपना अकाउंटेंट, अपना सीए ईमानदारी चाहता है, वो नहीं चाहता अपना सेवक चोरी करे अपने से, क्यों भैया तुम तो इतने बड़े चोर हो, तुम्हारे सेवक तुम्हारे नौकर ने चोरी करे तो उसमें क्या, तुम नहीं 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 ईमानदार ईमानदार चाहिए, कैरेक्टर वाला चाहिए, अरे अच्छा अपने कैरेक्टर की कहाँ क्या बात है। सो और जितने जितने ऊपर गए साथ ये समझ में आती है बातें, एंड सो द पॉइंट ऑफ दिस इज इंक्लूसिव, इफ यू वांट ऑल सेवन सारे गामा पधनी सा, देन वी हैव टू इंक्लूड द एंटायर स्ट्रिंग, वी हैव टू बी एक्सेप्टिंग, वी हैव टू बी इंक्लूसिव, वी कैन नॉट ओनली क्रिटिसाइज, वी कैन नॉट एक्सक्लूड, ये तो निगुरे है, ये गुरु वाले नहीं है, ये हमारे धर्म वाले नहीं है, हमारे गुरु आश्रम वाले नहीं है, ये तो ये अपनी भाषा नहीं, अपना मुल्क नहीं है, अपने जैसा नहीं पहनते, अपने जैसा नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर ऑल ऑन द सेम स्ट्रिंग, वी आर ऑल ऑन द सेम स्ट्रिंग, देर इज ओनली वन स्ट्रिंग। इसी अध्याय में आगे कहेंगे भगवान, सूत्रे मणिगणा, सूत्र सूत्र में जैसे अलग अलग मणि, मुझ में ही सारा संसार गुंता है, भगवान कहते हैं इसी सातवें अध्याय में आगे कहेंगे, ऑल ऑफ यू फॉक्स, यू आर ऑल इन मी। एंड सो एक बड़े में बड़ी अगर बात हो जाए इस अध्याय को लेकर के, कि हमारे मन से जो ग्लानी है, किसी के प्रति निंदा है, किसी में कमी देखना है, अथवा एक्सक्लूसिविटी है, डिवाइसिव नेचर जो है,
ये अगर छूट जाए, इफ यू कैन सी द वन सेम स्ट्रिंग रादर देन हाई पिच एंड लो पिच एंड मिड, तो ये बड़ी छलांग लग जाए. एंड देन नेक्स्ट वी विल हैव टू रियलाइज दैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ इट. गुणातीत जो ना है, इनसे अलग होना है. सो विद दैट कॉन्टेक्स्ट वी विल डू वन वन श्लोक टुडे. पहला श्लोक पिछली बार हो गया था, सो विल नॉट रिपीट दैट. सेकंड आई थिंक सेकंड भी हो गया था, एंड वी वर इन द थर्ड श्लोक. इनफैक्ट थर्ड भी हो गया था, पहले तीन श्लोक हुए थे. तीसरा था मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयेत्, हजारों हजारों में कोई एक होता है जो इस मार्ग की ओर चलता भी है, सोचते भी है, और जो चल पड़ते हैं ऐसे हजारों हजारों में कोई एक होता है जिसको दिशा मिलती है. कितने लोग मंदिरों में कितने जाते हैं इंडिया में, भारत में, कितने सभी मंदिर में जाते हैं, देवी माँ का नाम, आरती, पूजा सभी. लेकिन गुरु कितने लोगों ने किया है, मे बी 1 in 1000, राइट? अगर देखे भारत भर अगर घूमें तो ज़्यादातर लोग भगवान में विश्वास करने वाले हैं, भगवान के मंदिर में जाने, आरती करे, पूजा करे, भोग लगाए, फूल चढ़ाए, सब. लेकिन उनसे पूछा जाए गुरु कौन है तुम्हारा, गुरु क्या क्या भगवान को, तो जैसे हजारों हजारों में से जो कोई एक इस दिशा की ओर जाता है जिसे दीक्षा मिली गुरु से, उनमें ऐसे हजारों हजारों में से भी कोई सचमुच में मेरी ओर, ज़्यादातर ध्यान देना 99% ऑफ गुरु भक्त साधक्स आर स्टक इन एंड अराउंड गुरु ओनली. तो बिल्कुल साफ सुथरी सीना बिंदास बात कहता हूँ गीता को लेकर के, बिना निडर होकर नव आश्रम में, अपने भजनों में, अपने अब क्रिया में, अपने इसमें, इससे आगे और है, भगवान ने इसी इधर कहा है. हजारों हजारों साधकों में भी कोई एकाद मेरी ओर चल पड़ता है भगवान की ओर, है ना. जैसे पिता को छोड़ कर के बेटी अपने पति की ओर जाए, पिता को रही लेकर बैठे, पिता ने पाल के रखा, पिता के घर में बैठना है, पिता के गुणगान गाने हैं, पिता की सेवा करनी है, पिता ने इतना किया हमारे लिए. हाँ, सच्ची सच्ची बात है, 100% सच्ची है. लेकिन उसके आगे भी कुछ है बेटी. सच्चा पिता चाहेगा कि नहीं, बस मैंने तेरे लिए इतना किया, अब तू मेरे पास बैठ और मेरी सेवा कर, बस मैं मरते दम तक इधर ही रहे. सच्चा पिता चाहेगा ये सारा मैंने इसलिए किया बच्ची कि तेरे को एक होनहार पति ढूंढ के हाथ थमा दूँ. तो गुरु ने ये सारा इसलिए किया कि इस ऐसा समय आए कि तो तैयार रहे, और जब आए गोविंद तो तेरा हाथ उसके हाथ में थमा के मैं बस उसके साथ चली जाए, मेरी चिंता न करना. और जो सच्चा अच्छा सन इन लॉ है, होता है, वो खाली अपनी नहीं और अपनी पत्नी की नहीं, विल टेक केयर ऑफ द फादर इन लॉ ऑल्सो. ऐसा ही भगवान, गुरु की तो पहले लाज रखी जाती, किसी गुरु की दुर्गति तो होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उसके प्रेम में है भगवान के. तो लेकिन ये सूक्ष्म बात है, ये डर जाते हैं लोग ये बात सुनने के लिए भी, कहने के लिए भी, मानने के लिए भी, पाप जैसी लगती है, अथवा तो टर्न ऑफ हो जाते हैं, टर्न अवे हो जाते हैं. लेकिन सत्य को प्रकट करना ज़रूरी है, हमें आगे भी बढ़ना है, भगवान की ओर मुँह मोड़ना है. मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, वो जो तीसरा श्लोक, ऐसे हमें भी कश्चिन माम वेतित, एकादा सचमुच में मेरी ओर चल पड़ता है ना. वहाँ तक लास्ट टाइम हुआ था, और मेरे दृष्टि में, मेरे अनुभव में ऐसा आज तक कोई एक सदगुरु नहीं हुआ जिसने समय आने पर अपने शिष्य को भगवान पे सौंप नहीं दिया हो ना. तो ये तर्क संगत बात है, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है मेरे विचार में. तो चौथे पांचवा श्लोक हमने कहा था पिछले, नेक्स्ट टाइम करेंगे. भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरे वच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरये मितस्त्वन्यात् प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूत महाबाहो ययेदम धारयते जगत. नंबर 4 and 5 मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, एंड देन विल डिकोर इट. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है.
यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। सो दिस फिफ्थ श्लोक राइट पांचवें श्लोक आई डोंट सम ऑफ यू माइट नो मेरे व्हाट्सएप पे जो अपने स्टेटस अपडेट्स होते हैं like we can all put daily status updates on our WhatsApp profile when you look in WhatsApp bottom left go so every day I put like a 30 second clip or something 30 if Gita is related coincidentally aaj ye shlok hi hai us pe if you go to my WhatsApp and look at that and then we translate it in English for American people yahan ke that happens to be the one that so usme kaha bhumi matlab earth solidity Anything that's solid, aap, is jal, anything fluid, any liquid, not just water, any liquid, anything that can flow. The prithvi kya kya pada kya gun hai? Solid, jidhar rakhe udhar hi baith jaye, patthar, mitti ka dhela, wo apne aap kuch beh nahi paaye, udhar hi ruk jaye. Usse thode uche darje ka kaha jo apne aap beh paata hai, pani ko chhod diya to wo apna rasta dhoond ke behne lag jayega. जैसे पत्थर बर्फ को रख दिया तो उधर ही बैठ जाएगा, लेकिन जब उसका जलीभूत हो जाएगा द्रवीभूत हो जाएगा तो बहने लग जाएगा वो आप भूमि आप अनल अग्नि उसमें जो एंथैल्पी है उसमें जो एनर्जी है हीट एनर्जी है भूमि आप अनल वायु उससे सो उससे भी आगे की दर्जे का इट कैन गेट अप पानी अपने आप ऊपर नहीं उठ सकता बर्फ का द्रवीभूत हुआ तो बहने लग गया लेकिन उस द्रव्य का उस जल का जब बाष्पीभूत हुआ वेपराइज जब हुआ तो देखो अभी तो बर्फ में तो इधर ही बैठा था पानी होके बहने भी लग गया और बाष्पीभूत होकर ऊपर भी उठ गया कैसा चमत्कार है कभी सोचा हमारे इर्द गिर्द कितना चमत्कार हो रहा है वो कौन से चमत्कार की राह देख रहा है प्रभु जीवन में आओगे हाथ रख दोगे ऐसा हो जाएगा ऐसा अरे भैया इतना चमत्कार ही ऐसी कोई एक बात नहीं है ध्यान देकर देखना सोचना एक बात नहीं हो रही एक क्षण में हमारे अंदर शरीर के अंदर भी और बाहर भी जो चमत्कार से कोई कम है चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है हम स्वयं सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान ने कहा यार इधर उधर देखता है तेरे को बना इससे बड़ा मैंने आज तक बना नहीं पाया चमत्कार तू जो है भागवत में आता है ये अभी अगले श्लोक में भी आएगा गीता में भी तो भूमि आप अनलो वायु दैट विच कैन फ्लाई वायु खम स्पेस एम्प्टी स्पेस उससे भी बड़े सुपेरियर स्पेस के एवर एक्सपेंडिंग इसको दबा नहीं सके कोई स्पेस को जितनी वस्तु रख दी उतनी जगह तो एक्सपेंड होती ही रहती ऐसा नहीं होता कि आसमान खत्म हो गया अब जगह नहीं रही तो तार्किक बात है तात्विक बात है फंडामेंटल्स है भूमि आप अनलो वायु खम दोस फाइव एलिमेंट्स सॉलिडिटी लिक्विडिटी एंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी और जो वो ब्लो ब्लो होने की ब्लोइंग एयर एंड देन स्पेस एम्प्टी स्पेस ये पांच मन बुद्धि और अहंकार ये तीन ये पांचों से अनुभव होता है पृथ्वी तत्व से सॉलिडिटी से अनुभव होता है हाथ में लिया वजन है आवाज आया इस पर ठोका तो मैंने लगा पांचों से अनुभव करते इंद्रियों से उनको सेंस मेकिंग जो होता है अंदर ये मैंने क्या देखा इसका मतलब क्या है इसका क्या करे इससे क्या होगा इस सेंस मेकिंग जहाँ होता है वो जो अंदर का यंत्र है हमारे अंदर का और बड़ा चमत्कार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार This the inner device. No one knows. No doctor knows where the mind is. No physician knows where the chitta is. No surgeon has been able to take the ahankar out of us because they don't even know where ahankar is. Lekin hai, kaisa chamatkar hai. Bhumi apo analo vayu kham mano buddhi revacha ahankar iti yame bhinna prakritir ashtada. Ye aath अंगों वाली मेरी दुर्गा अष्टभुजा देवी जिसकी नवरातियाँ हुई ये मेरी बहन है ये मेरी बाहर वाली है अंदर में हम लोग जो पति बैठे हैं
इंटीमेट किसके साथ होती है? हम सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप किस का साथ होती है? अपने पत्नी के साथ। और बहन के साथ इंटीमेट नहीं होते? बहन के साथ है भी उतना ही प्रेम तो होता है, लेकिन बाहर का प्रेम होता है, अलग प्रेम होता है, रिश्ता अलग है। हर पुरुष का अपनी स्त्री के साथ रिश्ता अलग है और अपनी बहन के साथ रिश्ता अलग है। दोनों बहुत मूल्यवान है, अपने हैं, नज़दीकी है, अपने से ज़्यादा है, अपने से अपनी पत्नी ज़्यादा है, अपने से अपनी बहन ज़्यादा है, दोनों भी, लेकिन वेरी डिफरेंट। वन इज इनसाइड, इसलिए कहते हैं इंटीमेट, राइट, इंटीमेसी। वन इज आउटसाइड। तो कृष्ण ने दुर्गा को अपनी बहन कहा है स्पष्ट भागवत में, उसकी उसकी आठ अष्टभुजा है। उसके अंदर की उसकी राधा है अल्लादिनी, जो उससे एक है, अर्धांगिनी जिसे कहते हैं, अर्धनारी नटेश्वर, शिव और शक्ति। एक एक को निकाले तो आधा ही रह जाए भगवान, शक्ति को निकाले तो शिवजी आधे रह जाए, शिवजी को निकाले तो दुर्गा आधी रह जाए। ज्ञान और शक्ति, खाली ज्ञान से काम कुछ न बने, कुछ भी ना हो खाली ज्ञान से, जीरो, ज्ञान की कोई कीमत ही न रहे शक्ति न हो तो। खाली पति बैठ क्या क्या बनाए, क्या खाए, क्या पकाए। और शक्ति को अगर आधार न हो, शक्तिमान का समझ न हो कि किस कैसे उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, क्यों, तो एकदम विनाश हो जाए अथवा बेकाबू हो जाए। इम्प्लोरिंग एंड एक्सप्लोरिंग, खुद का भी विनाश कर दे और दूसरों का भी विनाश कर दे। इसलिए द बैलेंस, द यंग इन द यान, शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, ज्ञान और प्रेम दोनों का। सो इस श्लोक में कहा कि ये बाहर वाली मेरी अपरा जड़ प्रकृति है और अंदर वाली, उसके नेक्स्ट जो श्लोक है, जी अपरयेमिदम, इससे अलग, डिफरेंट फ्रॉम दिस, दीज टू वेमेन आर इन माई लाइफ, दिस इज माई सिस्टर, आई लव हर वेरी वेरी मच, शी इज माई ओन, there is nothing I will not do for my sister. There is another woman in my life. She is my wife. She is the love of my life. And she is inside me. She is also very, very dear to me. And there is nothing I will not do for her. My life is for this woman and this woman just as much. But one is outside, one is inside. Aparaye midastu anyat. जो नेक्स्ट श्लोक जो है, प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये मैंने कहने के लिए कहा, गीता में ऐसा नहीं आया दो अलग स्त्रियां है अथवा तो प्रेम अलग इन अंदर वाला बाहर, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में समझाने के लिए रिश्ते अलग है। साथ में हमेशा कौन रहेगी दोनों में से? जो पत्नी है, प्रेयसी है, द होल टाइम माई वाइफ विल लिव विद मी, माई सिस्टर विल नॉट। सारे सीक्रेट्स, मेरे रहस्य किसको पता रहेंगे? पत्नी को पता नहीं। ये सर रिश्ता अगर सच्चा है, पक्का है, तो नो वन विल नो अबाउट अ मैन देन द वुमन देन हिज वाइफ, जैसे ऐसे, क्योंकि अंदर भीतर ही है, इसलिए इन दैट सेंस सुपेरियर है, हायर लेवल है, हायर प्लेस है, श्रेष्ठ जगह पे है। और वो क्या है? वो भगवान कहते तुम हम जीव भूतम महादा, वी आर दैट, द इनर, द वन विथ होम, हम कहते हैं ना ये जीवात्मा ऐसी है, ये जीवात्मा वैसी है, हम सारी जीवात्माएं उसकी अंदर वाली प्रकृति इंटीमेट है, उससे जुड़ी है, और उसकी बाहर वाली प्रकृति को पहनते हैं। यह ये दम धारयते जगत, उस श्लोक में जो आया पांचवें श्लोक का द लास्ट पोर्शन ऑफ इट, यह ये दम, मतलब इदम, ये जो बाहर वाला जो है, इसको ये धारण करती है, मतलब पहनती, उठा के रखती है, इसके दम पे बाहर की प्रकृति है, मेरे अंदर की प्रकृति के दम पे, डिपेंडेंट ऑन दैट, सपोर्टेड बाय दैट इज माय एक्सटर्नल प्रकृति। और हम क्या हुए? हम एक्सटर्नल प्रकृति में फंस गए जिसमें अपना दम नहीं है। भगवान कहते हैं ये सारा दम प्रकृति में, जिससे हम इम्प्रेस होते हैं, जिसको हम इम्प्रेस करना कराना चाहते हैं, जिसको पटाते हैं, जिसको मनाते हैं, जिसके पीछे पीछे भागते हैं, जिन वस्तुओं से लालायित हो जाते हैं, जो जगह जाकर देखना चाहते हैं, वेकेशन, जिनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जिस सारे इनमें किसी में दम नहीं है। भगवान कह रहे हैं
जो भी कार्य हो रहा है, लग रहा है ये शरीर ने इनने किया, ऐसा किया, उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया, भगवान करे। इनमें क्या है, थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ा जल है, थोड़ी अग्नि है, थोड़ी जगह है और थोड़ा वायु है, और इनमें और मन है थोड़ा, इनमें बुद्धि और इनमें अहंकार है। ये आठ है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते, आठों में से आठ मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेड है, डेड मैटर है। इनमें जब भैया तू जाता है, सर अंदर वाले को पहचान पटाना है ना तेरे को, किसी का तो ये बाहर वाले मंत्री हो, डॉक्टर जो, उनको मत, उनके भी अंदर जो है उसको पटा, तो सारा काम हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। करने मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, मेरा आपकी कृपा से। तो बस अंदर वाले को अगर पटा लिया ना, तो सच्ची बात है भैया, सब काम होता है। लोगों को लगता है ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कुछ हम जान जाते हैं। अपनी हिम्मत ही, अपनी औकात ही क्या है यार, मेरी कीमत ही क्या है, इसको बेच के आवाज कमा रही है। अच्छा, तो इसलिए अगर पटाना है, किसी से इम्प्रेस होना है, किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को मनाना है, तो भगवान कहते हैं पांचवें श्लोक में, इनसे फार सुपेरियर, आई वुड एनकरेज यू टू रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इट इन द व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट, और अगर याद रहे तो रोज यू कैन विजिट दैट, इट्स ओनली टेक्स 30 सेकेंड्स एंड यू गेट सम न्यू टॉनिक, न्यू फ्रेश माल। तो इससे फार सुपर, भगवान करे हमें सांत्वना दे रहे यार, तू तू तेरे को तेरी कीमत ही नहीं पता, यू आर माई वेरी ओन, यू आर माई इनसाइड, मेरा अंदर का माल है तू। सो आई नो वी कम अप ऑन टाइम, मेरा मन नहीं भरा अभी, तो वी विल पिक अप दिस श्लोक अगेन, नंबर 5। लेकिन इतना जाते जाते इतना ध्यान में रखे, बाहर का ठीक है, बाहर की व्यवस्था, बाहर का जितना चलेगा उतना चलेगा, जैसा होगा वैसा होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अपने उधर अपनी तार उसके साथ जोड़कर, जैसे वो सात्विक तंबर है कि ऊपर की तार बैठी है, शांत होकर स्थित होकर बैठ जाए। बहुत ज़्यादा नाच अभी धूमधाम करने की ज़रूरत नहीं बीच में, और नीचे जाकर भी ना बैठ जाए। गॉड अलोन, या गॉड अलोन। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।